अगर आप परेशान हैं हेयर ब्रेकेज से, हेयर फॉल से, हेयर डैंड्रफ से, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बनाया मैंने सिर्फ आप ही लोगों के लिए। तो विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जिनको हेयर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अगर आप समर में बहुत ज़्यादा अपनी हेयर्स की केयर नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ करना ये एक छोटा सा काम और आपके हेयर्स मेरी तरह सिल्की स्मूदी साइनी एंड देख सकते हैं आप कितने अच्छे मेरे हेयर्स हो चुके हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, मैं सिर्फ अपने हेयर्स पे अप्लाई करती हूँ ये। तो ये है सिर्फ लेमन और कर्ड। मैं सिर्फ इन दो चीज़ों के साथ अपने हेयर्स की केयर करती हूँ और मैं सिर्फ इसको वीक में एक बार ट्राई करती हूँ। और अगर मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं इस मंथ में एक या दो बार ट्राई कर ही लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, सिल्की रहते हैं, शाइनी रहते हैं और हेयर की जो है रफनेस बिल्कुल भी मेरे हेयर्स में नहीं रहती। मैं कोई भी एक्स्ट्रा थिंग्स अपने हेयर्स पे यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ दही और दही में थोड़ा सा दो नींबू मिला के उनको अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर्स पे 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करती हूँ और उसके बाद शैम्पू कर लेती हूँ और मेरे हेयर्स आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे हो जाते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप गर्ल हो बॉय डजेंट मैटर, आप दोनों ही लोग इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लड़के तो और ही ज़्यादा केयरलेस होते हैं, वो अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। तो अगर लड़कों को भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनके बाल सर पे बाल ही नहीं रह गए हैं, तो उनको भी आई थिंक अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये स्कैल्प से जो होता है ऑयल को रिमूव करता है, जिससे हमारे स्कैल्प के पोर्स हैं जो खुल जाते हैं और उनको ब्रीथ लेने में वो अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं और हमारे हेयर्स के जो भी इश्यूज होते हैं उनको दूर करता है। तो कर्ड एंड लेमन इज़ अ बेटर थिंग फॉर गर्ल एंड बॉय बोथ। सो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, कोई भी तरह की आपको बदबू या इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर एंड आवर टाइम करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम दही लेंगे और उसमें दो लेमन को कट करके अच्छे से उस दही में स्क्वीज कर लेंगे। इसके बाद कर्ड एंड लेमन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, एकदम कर्ड को स्मूथ कर लेंगे ताकि ये जब हम अपने हेयर्स पे अप्लाई करें तो अच्छे से अप्लाई हो सके। तो चलिए अब हम इसको अपने हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई करते हैं। मैं कर्ड को इस तरह से अपने हेयर्स पे अप्लाई करूँगी, मैं एक टॉप वन बनाऊँगी और इस तरह से रूट्स पे सबसे पहले दही लगाऊँगी, क्योंकि रूट्स पे लगाने से स्कैल्प का जो भी ऑयल होता है उसको रिमूव करता है ये कर्ड। मेरे हेयर जो हैं वो ऑयली हैं, अगर मैं दो दिन शैम्पू नहीं करती थी पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाते थे मेरे हेयर्स, बट जब से मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा है अपने बालों में। जब हम कर्ड को अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड्स पे बहुत ही अच्छे से कर्ड को अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसको राउंड करूँगी, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं बन बना रही हूँ। अगर आपके बाल मेरी तरह ऑयली है तो आप लोग को इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे से वर्क करता है और इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा थिंग्स अपने हेयर्स पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप दही के साथ 3 चम्मच मेथी दाना का जो पाउडर होता है उसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए अपने हेयर्स पे अप्लाई करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके बाल टूट रहे हैं कॉम्ब करते करते आपके बाल ब्रेक हो जाते हैं तो आपको इसे 20 मिनट्स तक अपने हेयर पर अप्लाई करना चाहिए। इसे कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार ज़रूर करें।
और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो इसे आप वीक में 2 बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से अपने हेयर्स पे देखिए अप्लाई कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह का टॉप बन बना सकते हैं। मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं इसी तरह का हेयर बन बना लेती हूँ। इसे हमने अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको 20 to 30 मिनट अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेंगे। मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हेयर्स कितने अच्छे सिल्की सॉफ्ट ही शाइनी दिख रहे हैं और कितना वॉल्यूम आ गया है मेरे हेयर्स में। लोग देख सकते हैं एकदम सिल्की हो चुके हैं बाल। अभी मैंने कॉम्बिंग नहीं की अपने हेयर्स में, फिर भी मेरे हेयर्स देख सकते हैं आप लोग। ये आई एम सुपर हैप्पी नाउ। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई किया कीजिए, वीक में 1 बार जो कम से कम अप्लाई किया ही करिए। इट्स रियली 100% वर्किंग। और अगर आप लोग अपने बालों को और ज़्यादा शाइनी बनाना चाहते हैं तो इसमें एलोवेरा कोकोनट ऑयल मिलाकर इसको अप्लाई कीजिए तो ये और भी अच्छे से शाइनी हो जाएंगे। बट मुझे सिर्फ लेमन एंड कर्ड लगाना अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ यही दो चीज़ें अप्लाई करती हूँ। If you like the video, so please like this video and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.